ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डीसी मशीन्स। तो एक बार अपन पूरे चॉपर का रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा करेंगे अपन लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं अपन ने क्या क्या देखा है इसमें। देखो अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले देखा था व्हाट इज़ चॉपर, ठीक है, चॉपर क्या होता है। फिर अपन ने देखा था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेप डाउन चॉपर, ठीक है। इसका अपन ने एनालिसिस किया, अपन ने फाइंड आउट किया आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट। देन अपन ने स्टडी किया स्टेप अप चॉपर, ठीक है, स्टेप अप चॉपर हो गया। देन ड्यूटी रेशो को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके मेथड पढ़े, न्यूमेरिकल्स करे अपन ने। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, टू क्वाड्रेंट, ध्यान रखना टाइप सी और टाइप डी दोनों ही टू क्वाड्रेंट चॉपर आते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन टू क्वाड्रेंट, तो आप टाइप सी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और टाइप डी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर वो बाय नेम मेंशन करता है कि एक्सप्लेन टू क्वाड्रेंट टाइप सी चॉपर, तो फिर आपको स्पेसिफिकली वही एक्सप्लेन करना है। तो टाइप सी और डी दोनों ही आपके टू क्वाड्रेंट चॉपर होते हैं। देन टाइप सी टाइप डी, देन टाइप ई। टाइप ई क्या होता है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट चॉपर होता है। ये देखो ये चारों क्वाड्रेंट में वर्क करता है इस तरह से, है ना। तो ये अपन ने पढ़ा था। इसके बाद में अपन ने देखा था चॉपर कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। डीसी मोटर को चॉपर की हेल्प से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो अपन ने इसके तीनों मोड पढ़े थे, मोटरिंग मोड, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और डायनामिक ब्रेकिंग। ये अपन ने सीरीज मोटर के केस में पढ़ा था। देन नेक्स्ट लास्ट क्लास में अपन ने देखा था फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर। तो इसके लिए पहले अपन ने हॉइस्ट का ऑपरेशन देखा था कि जो एक हॉइस्ट है वो कैसे चारों क्वाड्रेंट में वर्क करता है। एंड देन अपन ने डीसी मोटर का ऑपरेशन देखा था कि डीसी मोटर कैसे चारों क्वाड्रेंट में वर्क करती है, फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, रिवर्स मोटरिंग और रिवर्स ब्रेकिंग में। ये एप्लीकेशन से आपके फोर्थ क्वाड्रेंट चॉपर के। यहाँ तक अपन फर्स्ट क्लास में देख चुके थे। अब आज अपन को देखना है स्टडी स्टेट टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ टाइप ए चॉपर। या तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट बाय नेम मेंशन होगा, या फिर वो आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा कि एक्सप्लेन या ब्रीफली एक्सप्लेन स्टडी स्टेट टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, ठीक है। अगर वो बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर या टाइप ए चॉपर, तो बात एक ही है। अगर यही क्वेश्चन वो ऐसे बोलता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टडी स्टेट टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ मल्टी क्वाड्रेंट चॉपर, तो आपका आएगा टाइप ई चॉपर, ठीक है। आपका आता है कि मल्टी क्वाड्रेंट चॉपर कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, तो भी आपका मल्टी क्वाड्रेंट बोल रहा है, मतलब आपका आपको टाइप ई एक्सप्लेन करना है ना, जिसमें चारों क्वाड्रेंट है। अगर वो आपको ऐसे सिंपल बोल रहा है कि टाइप है टाइप ए चॉपर या फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, तो आपको ये इसका एनालिसिस करना है। तो इसके लिए अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। देखो इसका सर्किट वही होगा टाइप ए चॉपर का, ये आपका चॉपर बनेगा, यहाँ आपका डायोड आएगा, ठीक है, यहाँ आपका लोड आएगा आर एल ई, इस तरह से। आर एल ई क्या होता है, अपनी डीसी मोटर्स होती है। ये आपका वोल्टेज है, दिस इज़ योर चॉपर, ठीक है। ये आपका आर है, ये है एल, ये है ई। अब देखो अपन को किस तरह से रखना है। अब इसमें अभी तक अपन ने एक ही टाइप का ऑपरेशन पढ़ा था कंटिन्यूस मोड, अब अपन को दोनों टाइप का देखना है, कंटिन्यूस मोड और डिसकंटिन्यूस मोड। तो पहले अपन देखते हैं कंटिन्यूस मोड। तो कंटिन्यूस मोड का क्या मतलब है कि करंट आपकी कंटिन्यूएशन में फ्लो हो रही है, किसी भी पॉइंट पर आपके करंट की वैल्यू जीरो होगी नहीं, तो वो होगा आपका कंटिन्यूस मोड ऑफ ऑपरेशन। और डिसकंटिन्यूस मोड में क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए आपकी करंट की वैल्यू आपके पास जीरो भी आएगी। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस मोड। तो कंटिन्यूस में देखो कैसा होगा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट केस व्हेन चॉपर इज़ ऑन, तो चॉपर ऑन है तो ये आपका इस तरह से ऑन हो जाएगा, ठीक है। चॉपर ऑन हो जाएगा तो आपकी करंट कैसे फ्लो होगी, यहाँ से ये सब अपन पहले भी पढ़ चुका है, इस तरह से अपनी करंट फ्लो होगी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इंडक्टर आपका चार्ज होगा, यानी कि इस तरह से सप्लाई वोल्टेज आएगा, प्लस माइनस इंडक्टर चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो अपन कैसे बनाएंगे अपनी वेवफॉर्म, यहाँ देखो ये है आई जी, मतलब गेट करंट। गेट करंट क्या है, इस तरह से कुछ टाइम के लिए ऑन है, फिर ऑफ है, फिर ऑन है, फिर ऑफ है, मतलब जितने टाइम के लिए ऑन है उतने टाइम के लिए ही आपका चॉपर ऑन होगा। अगर मैंने 10 सेकंड के लिए गेट करंट दिया है तो 10 सेकंड के लिए आपका चॉपर ऑन होगा, उसके बाद में ये ऑफ हो जाएगा, देन अगेन ऑन, देन ऑफ। तो ऑन ऑफ इस तरह से आपका चॉपर चलेगा अकॉर्डिंग टू द गेट पल्स। तो इस तरह से ये ड्यूरेशन देखो, अपन ने गेट करंट सप्लाई की है तो अपना चॉपर ऑन हो गया, चॉपर ऑन हो गया तो इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, आपका इंडक्टर चार्ज हो रहा है, आउटपुट में आपको वोल्टेज मिल रहा है V0, ठीक
ठीक है। अब जब भी करंट चार्ज होती है तो अपन ने किस तरह से पढ़ा था, करंट चार्ज होती है तो ये करंट इंक्रीज हो रही है, इस तरह से ड्रॉ करते हैं अपन। आउटपुट में अपन को मिल रहा है वी नॉट, कि अपन को आउटपुट में मिल गया वी नॉट, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखते हैं, व्हेन चॉपर इज़ ऑफ, चॉपर ऑफ है मतलब ये कनेक्टेड ही नहीं है, यानी कि ये सर्किट हट गया। तो अब इंडक्टर क्या बोलेगा कि वो तो चार्ज हुआ था पहले इस पोलैरिटी से, तो अब इंडक्टर क्या बोलेगा कि वो जब चार्ज हुआ था तो अब जितना उसने कंज्यूम किया है वो उसको वापस से रिटर्न करना पड़ेगा, वो एनर्जी स्टोर करके नहीं रख सकता, तो वो क्या करेगा पोलैरिटी चेंज कर लेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा ये पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ से इस तरह से करंट अब आपकी फ्लो होगी यहाँ पे, तो ये लूप बन जाएगा आपका, यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो होगी आपकी। तो आप देखो ये जो आर एल ई है ये तीनों इस डायोड के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट हो गए, तो आपका आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा ज़ीरो। आपका इंडक्टर क्या होगा डिस्चार्ज, तो जब आपकी गेट करंट ऑफ है यानी कि ये वाला इंटरवल है तो क्या हो रहा है इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग वाली करंट किस तरह से ड्रॉ करेंगे अपन, ऐसे चार्जिंग इंक्रीजिंग में ड्रॉ करेंगे, डिस्चार्जिंग अपन डिक्रीजिंग में ड्रॉ करेंगे, आउटपुट वोल्टेज हो गया ज़ीरो। अब अगेन आपका चॉपर ऑन हो जाएगा, गेट पल्स आपने दी तो आपका चॉपर ऑन हो गया, चॉपर ऑन हो गया करंट चार्ज होगी, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट हो जाएगा। अगेन जैसे ही आपने गेट पल्स रिमूव कर दी आपकी करंट डिस्चार्ज होगी, आपका चॉपर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो वेवफॉर्म चलेगी ये चलेगी कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए वेवफॉर्म। तो अब यहाँ पे देखो आप करंट की वेवफॉर्म इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन कभी भी करंट की वेवफॉर्म की वैल्यू अपने पास ज़ीरो नहीं आई है ना, ये करंट ऐसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ कभी भी इसकी वैल्यू ऐसे ज़ीरो नहीं आई, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं कंटिन्यूस ऑपरेशन। तो ये पूरी थी कंटिन्यूस ऑपरेशन की वेवफॉर्म। अब सेकंड देखते हैं डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन में अपन को क्या करना है, तो डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन में देखो ये अपन ने गेट पल्स यहाँ पे दी, अगेन फर्स्ट केस बिल्कुल वैसे ही, ये अपन ने यहाँ पे गेट पल्स दी ऑफ़ कर दिया, ये ऑन किया ये ऑफ़ किया, ये ऑन किया ये ऑफ़ किया, तो जब तक अपन ने इसको ऑन किया है यहाँ पे, जब तक अपन ने इसको ऑन किया है तब तक अपना चॉपर ऑन हो जाएगा, अगेन चॉपर ऑन हो गया, इस तरह से करंट फ्लो होगी अपनी, ठीक है। इंडक्टर चार्ज होगा, प्लस माइनस वोल्टेज आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज होगा वी नॉट। तो जब तक अपना जैसे ही अपन ने गेट पल्स दी यहाँ पे तो क्या हुआ, ये अपने गेट पल्स आई तो अपना इंडक्टर चार्ज हुआ। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जब मैंने चार्ज करने स्टार्ट किया है तो ज़ीरो से स्टार्ट किया है, और पहले वाले केस में अपन ऐसे करते थे, पहले वाले केस में अपन इस तरह से चार्ज डिस्चार्ज करते थे, कभी भी वो ज़ीरो पे नहीं आता था, और अभी वाले केस में जब अपन करंट ड्रॉ करेंगे तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है डिसकंटिन्यूस मोड है, कुछ टाइम के लिए आपकी करंट की वैल्यू ज़ीरो भी होगी, तो जब ज़ीरो हो जाएगी फिर अगेन चार्ज स्टार्ट होगा तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, इसलिए डिसकंटिन्यूस मोड में अपन इसको ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, जबकि कंटिन्यूस मोड में अपन उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से अपन ने चार्ज किया, वी नॉट वोल्टेज आया, ठीक है। अब सेकंड केस देखो, व्हेन चॉपर इज़ ऑन, ऑफ हो गया चॉपर कनेक्ट नहीं है तो क्या होगा अपनी, इस तरह से करंट फ्लो होगी। तो ये गेट पल्स हटा दिया अपन ने, ये डिस्चार्ज हुआ और अपना आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो आ गया। यहाँ तक तो सबका सेम है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब देखो पहले वाले केस में अपने पास क्या हो रहा था, सपोज़ पहले वाले केस में क्या सीन था कि सपोज़ अपना जो टोटल टाइम पीरियड है वो 10 सेकंड का है, ठीक है। तो जैसे ये आपका 10 सेकंड का टाइम पीरियड है, तो ये इस तरह से करंट चार्ज हो रही थी और ये डिस्चार्ज हो रही थी, सपोज़ ये 6 सेकंड के लिए चार्ज हो रही थी और 4 सेकंड में वो डिस्चार्ज हो रही थी, ठीक है। देन अगेन चार्ज हो रही थी और डिस्चार्ज, से ये 4 सेकंड, ये अपना पूरा पीरियड था 10 सेकंड का। अभी वाले केस में क्या हो रहा है इस 10 सेकंड में से कि वो कुछ टाइम के लिए सपोज़ 5 मिनट के लिए वो चार्ज हो रही है, देन 4 मिनट के लिए वो डिस्चार्ज हो रही है, 4 मिनट पे डिस्चार्ज हो गई। अब अभी भी 1 मिनट बचा है लेकिन अभी अपना इंडक्टर ऑन नहीं है, ठीक है। तो इस मिनट इस टाइम के लिए इस ड्यूरेशन के लिए अपनी करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और फिर अगेन वो चार्ज होना स्टार्ट होगी। तो ये जो ड्यूरेशन आया यहाँ पे करंट की वैल्यू होगी ज़ीरो, तो ये डिसकंटिन्यूशन आ गया ना इस वेवफॉर्म में, ये डिसकंटिन्यूटी आ गई, तो इसीलिए इसको बोलता है डिसकंटिन्यूस मोड ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या होगा, जब चार्ज होगा तो इस तरह से फ्लो होगा, जब डिस्चार्ज होगा तो इस तरह से फ्लो होगा। अब क्या हुआ, आपने ऑन भी नहीं किया तो यहाँ से भी करंट नहीं आ रही है, इंडक्टर भी पूरा डिस्चार्ज हो गया तो सर्किट में करंट ही नहीं है। तो क्या करोगे आप, कुछ टाइम के लिए करंट की वैल्यू ज़ीरो बना दोगे यहाँ पे ज़ीरो, फिर अगेन चार्जिंग डिस्चार्जिंग फिर ज़ीरो, देन अगेन चार्जिंग डिस्चार्जिंग ज़ीरो, ऐसे, ठीक है। अब ये देखो इस पीरियड में जब अपन ने करंट की वैल्यू ज़ीरो है उस पीरियड में आउटपुट वोल्टेज कितना होगा,
फर्स्ट वाले केस में आउटपुट वोल्टेज वी नॉट था, सेकंड वाले केस में आपका ये शॉर्ट सर्किट हो गया था तो ज़ीरो था। अब थर्ड वाला केस देखो, थर्ड वाले केस में आपके यहाँ से तो करंट आ ही नहीं रही है, आपका डायोड भी ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे कनेक्टेड है आर एल ई, इस तरह से आपका कनेक्टेड है तो आर के अक्रॉस भी कोई करंट नहीं है, एल के अक्रॉस भी कोई करंट नहीं है और यहाँ पे ई है। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, ई मिलेगा ओनली आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि ई को किसी करंट की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप यहाँ से देखोगे, सपोज़ 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ई वोल्ट, ठीक है। तो जब आपकी करंट की वैल्यू ज़ीरो है तो उस टाइम पे अपन वोल्टेज कितना ड्रॉ करेंगे, इतना सा ई ड्रॉ करेंगे उस ड्यूरेशन के लिए। तो ये आपकी वेव फॉर्म है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अपनी करंट की वेव फॉर्म किस तरह से होगी। ये देखो, करंट और वोल्टेज दोनों की वेव फॉर्म देखो किस तरह से अपन ड्रॉ करेंगे, कि अपना वेव फॉर्म है। तो जब चॉपर ऑन है तो वी वोल्टेज, जब चॉपर ऑफ है तो ज़ीरो वोल्टेज। अब उसके बाद में चॉपर तो ऑफ ही है लेकिन, ठीक है, अब यहाँ पे करंट देखो, ये चार्जिंग ये डिस्चार्जिंग। अब इस टाइम के लिए करंट की वैल्यू तो ज़ीरो है और यहाँ से अपना चॉपर ऑन हो रहा है, तो इतने इतने ड्यूरेशन के लिए अपना वोल्टेज कितना आएगा, ई वोल्टेज, देन अगेन वी वोल्टेज, देन ज़ीरो वोल्टेज। तो इस तरह से अपना ये चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अपनी दोनों वेव फॉर्म हो गई, कंटिन्यूस मोड में और डिसकंटिन्यूस मोड में। तो आपको ये पूरा सर्किट बनाना है, ये दोनों वेव फॉर्म अच्छे से ड्रॉ करनी है कंटिन्यूस मोड और डिसकंटिन्यूस मोड में, और अब इसका स्टडी स्टेट एनालिसिस करना है। स्टडी स्टेट एनालिसिस कैसे करेंगे, जब अपना चॉपर ऑन था तो करंट इस तरह से फ्लो होगी, तो टोटल सप्लाई वोल्टेज वी एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर प्लस ई, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जैसे अपन ने 100 वोल्ट था तो 100 में से 10 यहाँ पे लॉस हुआ, 5 यहाँ पे लॉस हुआ, 85 इधर मिला, तो अपन लिखते हैं ना 100 इक्वल्स टू 10 प्लस 5 प्लस 85, तो वही वाली चीज़ है। तो फर्स्ट केस के लिए ये वाली इक्वेशन हो जाएगी जब आपका चॉपर ऑन है, जब सेकंड केस जब आपका चॉपर ऑफ है तो ये सब किसके इक्वल हो जाता है, ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाता है डायोड। तो आप लिखोगे ई प्लस आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, दिस ऑल इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपकी सेकंड केस की इक्वेशन हो जाएगी। तो बस यही इक्वेशन आपको इस तरह से लिखनी है। तो ये देखो, यहाँ पे इसने यही इक्वेशन लिखी है स्टडी स्टेट एनालिसिस में, दिस इज़ फॉर केस फर्स्ट, दिस इज़ फॉर केस टू। अभी केस फर्स्ट है, यहाँ पे इसने क्या बोला है कि इसका इसने लैपलास ट्रांसफॉर्म किया है और उसके बाद में इसने लैपलास इन्वर्स ले लिया। ऐसे ही जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसका भी इसने लैपलास ट्रांसफॉर्म लेके लैपलास इन्वर्स ले लिया। तो आपके पास ये दो इक्वेशन मिल जाएगी। अब उसके बाद में इसने अलग अलग कंडीशन लगाई है कि आई मिनिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई मैक्सिमम की वैल्यू, एक इसने इमेजिनरी टाइम कॉन्स्टेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग उसने ये इक्वेशन सॉल्व किया है। तो ये इक्वेशन एक बार आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करके देखना, जो भी डाउट होगा अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करके ये हो नहीं पाएगा। तो बहुत ईजिली है और पूरा स्टेप बाय स्टेप है, तो जहाँ भी जिस भी स्टेप में डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद में आई मिनिमम के लिए एक एक्सप्रेशन आ जाएगा और आई मैक्सिमम करंट के लिए एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये जो अपनी करंट थी आई मिनिमम और आई मैक्सिमम, इसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास करंट की एक वेव फॉर्म आ जाएगी और एक करंट आर्मेचर करंट की वेव फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने टारगेट है आर्मेचर करंट की वेव फॉर्म की इक्वेशन फाइंड आउट करना। ये बिल्कुल वही है जो अपन ने इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में पढ़ते थे। तो कुछ भी नहीं है, बस आपको दो लैपलास इक्वेशन सॉल्व करके आई की वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट है। नेक्स्ट आता है स्टडी स्टेट रिपल्स। अब देखो रिपल क्या होते हैं, अपन ने देखा था अपनी करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, आई मिनिमम आई मैक्सिमम, आई मिनिमम आई मैक्सिमम। तो ये जो वेरिएशन है इसी को बोलते हैं रिपल। अब आपको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आई मैक्सिमम का जो एक्सप्रेशन है उसमें से माइनस कर देना आई मिनिमम का एक्सप्रेशन, तो फिर आपके पास जो रिपल है उसकी वेव फॉर्म मिल जाएगी। तो यही उसने किया है, ये उसने पर यूनिट रिपल के लिए ये एक्सप्रेशन निकाल दिया है। तो बस यहीं तक आपको देखना है एक बार ये स्टडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है। तो एक बार ये मैथमेटिकल पूरा देख के आना, जो भी डाउट होगा जहाँ भी डाउट होगा अपन कल अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।